तो कैसे आप लोग? मुझे लगता है ठीक ही होंगे। हर मूवी को 20 से 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आपके सामने प्रूफ करने का। ये 5 सर्वाइवल मूवी डिजर्व करती हैं इस लिस्ट में। ये सभी मूवी रियलिटी के इतनी ज्यादा करीब हैं कि आप खो जाएंगे इन मूवी के अंदर। और खास बात ये है, इन मूवी को देखने के बाद कई दिनों तक आपके दिमाग पर असर रहेगा इन फिल्मों का। और ये सभी मूवी हिंदी में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप गूगल पे आसानी से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नंबर 5, ब्राइड। 2010 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक अमेरिकी ट्रक ड्राइवर पॉल से। पॉल पर इराकी आतंकवादियों का हमला होता है। इराकी आतंकवादी अमेरिका से $9 मिलियन की फिरौती मांगते हैं, वरना पॉल को एक ताबूत में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पॉल के पास एक फोन और एक लाइटर होता है। अब पॉल की लड़ाई टाइम के साथ होती है। तो क्या पॉल को बचाने के लिए कोई आता है? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये बेस्ट सर्वाइवल मूवी हो सकती है, बट आगे आने वाली मूवीज आपको हिलाकर रख देगी। इस फिल्म को IMDb ने 86% की रेटिंग दी है। नंबर 4, ट्रैप्ड। 2016 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है शोरे नाम के एक इंसान से, जो एक अपार्टमेंट में सबसे ऊपर वाला फ्लैट लेता है। लेकिन कुछ विवादों के कारण पूरा अपार्टमेंट खाली होता है। एक दिन शौर्य फ्लैट देखने जाता है, लेकिन इमारत में तैनात अकेला चौकीदार इस बात से अनजान है कि शौर्य अंदर चला गया है। और शौर्य गलती से अपार्टमेंट के अंदर बंद हो जाता है। वह ताला खोलने का प्रयास करता है, लेकिन विफल रहता है। वायरिंग शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली खाना पानी के बिना शौर्य कैसे सर्वाइव करता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म बॉलीवुड की पहली सर्वाइवल मूवी है जो वर्ल्ड की तीसरी बेस्ट सर्वाइवल मूवी बनी। इस फिल्म को IMDb ने 83% की रेटिंग दी है, जो कि काफी ज्यादा है। नंबर 3, एवरेस्ट। 2015 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है मई 1996 से, जब माउंट एवरेस्ट पर कई टीम्स दुनिया की सबसे ऊंचाई पर चढ़ने की तैयारी करते हैं। रॉब हॉल, जिसने एवरेस्ट मिशन को लोकप्रिय बनाने की ठान ली थी, लेकिन आधी से ज्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद एक बर्फीला तूफान उनकी कड़ी परीक्षा लेता है। और वो सभी वहीं फंस जाते हैं। तो देखना ये है कि वो सब कैसे सरवाइव करते हैं उस बर्फीले तूफान में। ये फिल्म पूरी VFX की मदद से बनाई गई थी, और इस फिल्म को IMDb ने 73% की रेटिंग दी है। नंबर 2, लोन सर्वाइवर। नंबर 1, 127 आवर। 2010 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी स्रोत पर्वता रोही एरन से। ये फिल्म एरन की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो यूटा में एक अलग थलग घाटी में फंस जाता है, और एरन का हाथ एक बड़े से पत्थर के नीचे फंस जाता है। अगले 5 दिनों तक एरन ऐसे ही बिना पानी खाने के फंसा रहता है। ये फिल्म आपको रुला देगी। IMDb ने इस फिल्म को 93% की रेटिंग दी है। ये फिल्म बहुत खास है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, एम करते हैं 2000 लाइक्स के लिए। और आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना है तो लाइक ठोको, और वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस बेचारे को दबा दो, कई दिनों से वेट कर रहा है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।